केंद्र में बदलाव चाहिए और लोकल में राम कृपाल जी चाहिए। लोकल में राम कृपाल जी चाहिए और केंद्र में बदलाव चाहिए। केंद्र में तो जो सरकार अभी वर्तमान में वो सरकार खराब नहीं है, इन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म किया, कालाबाजारी को खत्म किया, नक्सलवाद को खत्म किया, आतंकवाद को खत्म किया, तो फिर हम क्यों इस सरकार को बदलना चाहते हैं। यहाँ से बॉम्बे चले जाइए, यहाँ से बेतिया चले जाइए, कोई बिहार का जिला बचा हुआ कहाँ चले जाइए। रिंग रोड मुजफ्फरपुर में बनने वाला, लोग बोलता है काम ही नहीं हुआ है। रोजगार दे रहे हैं, वो रोजगार दे रहे हैं बिना प्रिंसिपल के नाम किए हुए। कोई टीचर का दम है कि क्लास ले लेगा? इंग्लिश के टीचर को अगर हिंदी भी पढ़ाना पड़ेगा तो प्रिंसिपल से अलाउ पढ़ना पड़ेगा तब हिंदी क्लास लेगा, मैथ पढ़ाना पड़ेगा। गरीबों के हित के लिए राम कृपाल जी के लिए हिना साहब भी वोट मांगे हैं पाटलिपुत्रा की धरती से कि राम कृपाल जी को आप लोग समझ के वोट दीजिए। विकास नहीं कर रहे। विकास भैया, विकास को देखने के लिए आपको अपना चश्मा बदलना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव जो है वो चल रहा है, इस बीच बड़ा इलेक्शन पर है, लोगों से ये जानने के लिए कि आखिरकार 24 में प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, इन्हीं लोगों से जानेंगे। 24 का चुनाव चल रहा है, प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी आएंगे। नरेंद्र मोदी जी हाँ, निश्चित तौर पर। विकास और किए हैं? विकास सारा LH रोड देख लीजिए, यहाँ से बॉम्बे चले जाइए, यहाँ से बेतिया चले जाइए, कोई बिहार का जिला बचा हुआ कहाँ चले जाइए। रिंग रोड मुजफ्फरपुर में बनने वाला, लोग बोलता है काम ही नहीं हुआ है। या बेतिया के लिए डायरेक्ट 6 लेन होने जा रहा है, क्या आपका बातचीत बात करता है? 2.5 घंटा में लोग बेतिया पहुँच जाएगा। गलत फहमी के लोग शिकार है, लोग चाहते हैं 21वीं सदी में लालटेन जलाना, होने वाला नहीं है। 21वीं सदी में लालटेन जलाना चाहते हैं कौन? RJD तेजस्वी यादव तो देख नहीं रहे हैं, जेल पर बेल लेकर आए हैं, चले हैं तुष्टिकरण के नीति करने, पूरा परिवार आधा महकमा उतरा हुआ रोड पर सड़क पर। तो एक भाई जी ने कहा कि हमको 1 भी सीट मिल गया था ताल ठोक हम खुश रहेंगे। क्यों भैया, आप 40 सीट जीतने का वादा? रोजगार दे रहे हैं, वो रोजगार दे रहे हैं बिना प्रिंसिपल के नाम किए हुए। कोई टीचर का दम है कि क्लास ले लेगा? इंग्लिश के टीचर को अगर हिंदी भी पढ़ाना पड़ेगा तो प्रिंसिपल से अलाउ पढ़ना पड़ेगा तब हिंदी क्लास लेगा, मैथ पढ़ाना पड़ेगा। जब प्रमुख थे हमारे नीतीश बाबू तो फिर वो कैसे अपना निर्णय ले लिया? कहा तो रहे कि रोजगार हम दिए हैं, शासन के सरकार था तब रोजगार मिला है, ऐसा नहीं मिला है। जब उनको रोजगार करने के लिए बाबूजी को दिया गया था। अरे कह रहे हैं कि इस बार BJP को खाता भी नहीं खुलेगा बिहार में। अच्छी बात है, नहीं खुलने दे जाएगा वो आपको 4 तारीख को पता जो भी होगा पता चल जाएगा आपको। सोचना क्या है, बहुमत से सरकार तो BJP की बनेगी, इन लोग को दे कर क्या कीजिएगा, इन लोग क्या करेगा? वही कांग्रेस के मनमोहन सरकार में 15 घोटाला हुआ था, आप सर्च कीजिए गूगल पे 15 घोटाला। तो सीतारामन वित्त मंत्री ने उसका सफेद श्वेत पत्र लाया था, ऐसे ही आ गया संसद भवन में लाया गया, 15 घोटाला। यही घोटाला 15 घोटाला निगिन कर दीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए, आप जाकर गूगल पर सर्च कीजिए कश्मीर का पत्थरबाजी, सब चेहरा बुरका पहन के पूरा नकाब पहन के पत्थर चला रहा व्हाट्सएप ग्रुप। लालू यादव गरीबों का मसीहा है, आप क्या बोल रहे हैं? लालू यादव गरीबों का मसीहा कौन बोल रहा है कि नहीं मसीहा है? कहाँ मसीहा को पढ़ा देते तब उनको बुद्धि आता, कुछ समझते? वो तो देख रहे कि लाठी में तेल पिलाए, अभी तो लादू को जिता देना, तो जीते जी बेटा को मुख्यमंत्री बना देना, अब या तो दिल्ली में फिर से शासन चलाएंगे। ऐसा होने वाला नहीं है, यहाँ बेवकूफ जनता नहीं बैठा हुआ। जब आपको 35 सालों मोदी जी कुछ काम ही नहीं किए, मोदी जी काम ना किए हैं, लोग को नजर नहीं आ रहा, राशन दे रहा है मोदी, सिलेंडर दे रहा है, नल जल योजना दे रहा है, महंगा कर दिए। पहले राशन नहीं मिलता था, पहले राशन मिलता था, तेल मिलता था, चीनी मिलता था, होली के समय जानते हैं कभी कभी डल डबो आ जाता था। होली के समय डल डबो मिलता था ना। इनको जो है ना, जितना मोदी दिन रात गरीबों के लिए सोचते हैं, खाता तक इन लोग का खुला नहीं था। जाकर जमींदार पर सोना रख के जहाँ 1,000 लेते थे वहाँ 10,000 इनको लिखता था। फिर हर गरीब का खाता हो गया, पेट से ज्यादा होता है ना नोट तब खाता में रखा जाता, पहले पेट में खाने के लिए माई बहन बाल बच्चा के लिए लाएगा कि पहले खाता में रखेगा। पैसा मांग रहा है आपको, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में खाता, जीरो बैलेंस पर खाता खोलाएगा। पहले हमको आमदनी ना चाहिए, किसान को भी 6,000 नहीं दिया रहा है, सुकन्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, आप इसको सोचिएगा तब तो। पहले तो कुछ भी नहीं था, सफेद झूठ, एक ही चीज है। क्या कर दिया, 1200 का सिलेंडर था, 1500 कर रहा है, 900 में तो हम सिलेंडर पिछले बार उठाए हैं, तुमको कब इलेक्शन के वजह से सस्ता किया? इनको, इनको, इनको सपना आ गया कि महंगा हो जाएगा, पक्का होगा महंगा, पक्का हाँ महंगा होगा भाई, हो ही रहा है महंगा, सब कुछ महंगा हो रहा है। 35 साल से राजद के सत्ता पर आसीन है, अध्यक्ष हम भी बनेंगे, कोई नहीं बनेगा,
कोई नहीं बनेगा, हम ही बने रहेंगे। अरे रघुवंश बाबू को अपमानित करते हुए लोग क्या किया था, है रघुवंश बाबू को आत्मा रो रहा होगा, क्या उनके साथ सलूक किया था, उनका पत्र उन्होंने लिखा था, सोशल मीडिया पर देख लीजिएगा। तो हमें क्षमा कीजिए बनेंगे। अरे भैया लालू भाई है, लालू जी कह रहे हैं लालू जी हमारे भी चाहते हैं, इनके भी चाहते हैं, मोदी भी इनका चाहता है, ऐसा नहीं मोदी ये मोदी इनके बारे में भी सोचता है। आज देश विदेश में जो होता है मान सम्मान मोदी का बढ़ा है, है क्यों नहीं राहुल का बढ़ा है। वो लोग जाते हैं पिकनिक मनाने, वो जाते हैं सर सपाटा करने के लिए, राहुल गांधी क्या करने जाते हैं, देश टूटा नहीं बोलते, देश जुड़ गया। प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? देखिए केंद्र में बदलाव चाहिए और लोकल में राम कृपाल जी चाहिए, लोकल में राम कृपाल जी चाहिए और केंद्र में बदलाव चाहिए, पाटलिपुत्र में राम कृपाल जी चाहिए। कैसे बदलाव होगा? होगा, हमको व्यक्तिगत रूप से हमको बिहार में राम कृपाल जी चाहिए और केंद्र में बदलाव चाहिए। देखिए ये हर राम का नाम ले रहे, भाई जी को बहुत सम्मान करते हैं, राम राम कृपाल होते वो लाल था राजद का, जो हर दम साये की तरह लालू यादव के साथ चलता था, उनके बच्चे बच्ची जो भी थे राम कृपाल यादव के देख रेख में, ऐसा नहीं है कि नहीं अपने बच्चे जैसा मानते थे। उन्होंने बस एक लोकसभा सीट मांगा, मगर लालू जी ने नहीं दिया, मीसा भारती अपने हट दम हट के वजह से। आज रीतलाल भी बोला कि टिकट चाहिए, रीतलाल बोले मैं उनको भी नहीं दिया गया। आप बताइए कार्यकर्ता को मान सम्मान, पप्पू यादव यादव समाज का बेटा लड़ रहा था केला पूर्णिया में, इन लोगों ने क्या किया, उनको सपोर्ट करने का कोशिश नहीं आया। आज आपके चुनाव आते उन्हीं के बेट बहन को तेजस्वी यादव को मीसा भारती को और तमाम लोगों को छपरा में जाकर उन लोगों ने मदद किया। गरीबों के हित के लिए राम कृपाल जी के लिए हीना साहब भी वोट मांगे हैं पाटलिपुत्रा की धरती से कि राम कृपाल जी को आप लोग समझ के वोट दीजिए। क्यों मांगे? इनके अंदर अच्छाई है तब ना वोट मांगे, अगर अच्छाई नहीं रहता तो वो इनका सपोर्ट नहीं करती। सपोर्ट डेट की हीना साहब भी बोले हैं कि राम कृपाल जी को वोट देने के लिए, व्यक्तिगत रूप से लोकल आदमी का ये काम करते हैं, उठते बैठते जब आदमी जाता है तो वो सुनते हैं, सबके दुख सुख में काम आते हैं, समझे। इसीलिए हमको लोकल में राम कृपाल जी चाहिए, केंद्र में बदलाव चाहिए। केंद्र में कौन सा? केंद्र में तो जो सरकार अभी वर्तमान में वो सरकार खराब नहीं है, इन्होंने भ्रष्टाचार को ख़त्म किया, कालाबाजारी को ख़त्म किया, नक्सलवाद को ख़त्म किया, आतंकवाद को ख़त्म किया, तो फिर हम क्यों इस सरकार को बदलना चाहें? विकास नहीं कर रहे? विकास भैया, विकास को देखने के लिए आपको अपना चश्मा बदलना पड़ेगा। कौन सा चश्मा लगा? विकासशील चश्मा लगाना। आज डिजिटल भारत वो विकास नहीं है, आज अब पटना की सूरत नहीं बदली, मेट्रो आया ये विकास नहीं है, फोर लेन बनाया विकास नहीं है। अगर आपको ये सब नहीं दिखता तो विकास नहीं है। बदलाव चाह रहे हैं या केंद्र में मोदी जी? नहीं ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं देखिए बिहार में जो है वो पटना पाटलिपुत्र की अगर बात करें तो राम कृपाल यादव, लेकिन केंद्र में अगर बात की जाए तो बदलाव खोज रहे हैं। वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि देखिए मोदी जो है वो विकास कर रहे हैं, कि कहें NH बनाए हैं तो वो विकास के काम अगर करें तो देखिए हर घर में बिजली हो, शौचालय हो, नल जल योजना हो, तमाम तरह की योजनाएं जो है वो नरेंद्र मोदी के काल में ही लाए गए। इसलिए फिर से प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी को ही बनाना सही रहेगा। फिलहाल अभी आप देखिए नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे सर स्टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।